नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। खबर वैशाली के महुआ से है, जहां कोरोना की तैयारी की जायजा लेने के लिए महुआ विधायक मुकेश रोशन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। इस दौरान वहां पर व्याप्त अव्यवस्था देखकर भड़क गए तथा कर्मचारियों की जमकर क्लास ली। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू नहीं होने पर महुआ विधायक ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेलियर हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग तो हमको लगता है कि शिथिल है पड़ा हुआ, ना तो ऑक्सीजन प्लांट कहीं काम कर रहा है और ना ही अस्पताल में उपयोगिता का जो सामान होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो है। यहाँ पे डॉक्टर की कमी है और नर्सिंग स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वो सब की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 7 अक्टूबर को, और आज तक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो गैस का सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ये दुर्भाग्य है। करोड़ों रुपया लगा के कई ऐसे जगह पर ऑक्सीजन प्लांट हर एक अनुमंडल अस्पताल में बनाया गया था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। ना तो उसको चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन है और ना ही कोई उसको ऑपरेट करने के लिए कोई मेंटेनेंस के लिए भी टेक्नीशियन आज आया है। आज ज्वाइन किया, अभी पता चला कि ज्वाइन किया। कहाँ है बुलाइए।